चिरगांव रेलवे क्रॉसिंग पर बड़ा ट्रेन हादसा टला। झांसी जिला अंतर्गत आने वाली चिरगांव रेलवे स्टेशन का मामला, जहां पर चिरगांव रेलवे क्रॉसिंग बांडे रोड पर बड़ा हादसा होते होते बच गया। जब रेल आने के पहले रेलवे क्रॉसिंग के फाटक बंद हो गए तो अचानक ट्रेन की पटरी पर एक किसान की तीन भैंसें और एक गाय आ गई। गनीमत यह रही कि जिस पटरी पर जानवर खड़े हुए थे उस पटरी पर ट्रेन नहीं आई, उसके पास वाली पटरी पर से ट्रेन गुजर गई, जिससे बड़ा हादसा होते होते बच गया। लेकिन वहां पर मौजूद रेलवे विभाग द्वारा पदस्थ किसी भी कर्मचारी ने उस हादसे को रोकने की हिम्मत नहीं उठाई, ना ही किसान को रेलवे फाटक बंद होने के बाद ट्रेन की पटरी से निकलने के लिए मना किया गया। यहां तक कि वहां मौजूद सैकड़ों की संख्या में जनता के द्वारा भी मूक दर्शक बनकर देखती रही, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने पटरी से जानवरों को हटाने की जहमत नहीं उठाई। अब सवाल यह उठता है कि अगर जिस पटरी पर जानवर थे उसी पर से ट्रेन आ जाती तो क्या होता, कितना बड़ा हादसा घट सकता था। यह एक दिन की बात नहीं है, हर रोज़ ऐसी घटनाएं घटित होते होते रह जाती हैं, कभी कभी घट भी जाती हैं। क्या यातायात नियम तोड़ने वालों पर चालान काटे जा सकते हैं? क्या रेलवे फाटक बंद होने के उपरांत रेलवे फाटक से गुजरने वालों के चालान नहीं काटे जा सकते? क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती? सोचने वाली बात है, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी कब तक जनता की गलती की सज़ा अपने उन कर्मचारियों को देते रहेंगे जिनके द्वारा काफ़ी मशक्क़त से हाथ पैर जोड़कर जनता को रेलवे लाइन से गुजरने को रोका जाता है जब ट्रेन गुजरती है, लेकिन लोग नहीं मानते। अपनी गाड़ियों को लेटा कर ट्रेन जब गुजर रही होती है तभी रेलवे फाटक बंद होने के उपरांत भी रेलवे क्रॉसिंग पार करते हैं।